हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी। तो हम लोग कैसे बनाते हैं बिरयानी, सबका अलग अलग स्टाइल है बिरयानी बनाने का, तो हम अपना शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले हम लोग चॉपिंग करेंगे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर, आलू, धनिया, ड्राई फ्रूट्स, सब चॉप करके हम लोगों ने रख लिया है। ये सब्जियों को धो रहे हैं हम लोग। अब इसको ड्रेन करने के लिए रख दिया है। देन हम लोगों ने गैस ऑन करने के बाद कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा पकने के लिए वेट करेंगे हम। इसमें मसाले यूज़ होंगे, सब्जी मसाला, बिरयानी मसाला, बाकी जो घर में हम नॉर्मल मसाला यूज़ करते हैं, पनीर और कड़ी पत्ता डाल दिए हैं हमने, जीरा डाल दिया है। अब डाल दी है हम लोगों ने प्याज। 2 मिनट तक इसको भुनने देंगे। इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है। नाउ मिक्स इट वेल। मिनट के लिए इसको ढक देंगे। बाकी मसाले इसमें ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, हल्का सा नमक, बाकी नमक हम बाद में डालेंगे लास्ट में। नाउ पुट टमाटोस। ये आपकी मर्जी है, धनिया ऐड करना चाहें तो अभी कर दें, नहीं तो लास्ट में तो करना ही है हम लोगों को। नाउ बिरयानी मसाला, सब्जी मसाला, हल्की सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, ये थोड़ी सी दही भी यूज़ होगी इसमें। दही तो सिर्फ 4 चम्मच यूज़ होगी, लेकिन बाकी आप इसके साथ बाद में खा सकते हैं। से इसको मिक्स किया जा रहा है। अब इसमें वेजिटेबल्स ऐड की जा रही हैं। थोड़ी सी अनियन बाद के लिए भी हम रख लेते हैं, इसमें भी डालते हैं तड़के के बाद। वेजिटेबल्स बहुत छोटी छोटी कट की जाती हैं और इसमें हम दही ऐड कर रहे हैं 4 चम्मच। नाउ मिक्स इट वेल। ये थोड़ा सा रायता टाइप बना लिया है, बाद में खाने में अच्छा लगता है बिरयानी के साथ। इसमें भी थोड़ा सा हम नमक ऐड कर रहे हैं वेजीज डालने के बाद, लास्ट में भी हम नमक ऐड करेंगे। ये बिरयानी मसाला ऐड हो रहा है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसको हम 5 मिनट तक ढक देंगे। और दूसरी गैस पे मैंने वो रख दिया है, पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम लोग 2 कप चावल डालेंगे, जब तक हम लोग पनीर कट कर लेते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम। ये चावल डाल दिए हैं पानी में और इसमें अब खोल भी पड़ गई हैं, तो हमारे चावल हम लोगों ने ड्रेन कर लिए हैं और ये बहुत अच्छे खिले हुए चावल लग रहे हैं। तो बिरयानी को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जो पेस्ट वेजिस का पेस्ट बना है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब 1 पार्ट के ऊपर पहले एक लेयर बनाएंगे चावल की अच्छे से।
उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे। नाउ सेकंड लेयर बनाएंगे हम लोग वेजेस की, फिर उसके ऊपर चावलों की लेयर बनाएंगे। अच्छे से लेयर को फैला लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर बिरयानी मसाला डालेंगे थोड़ा सा। देन इसको गार्निश करेंगे, धनिया डालेंगे, उसके ऊपर नींबू भी थोड़ा सा निचोड़ देंगे और इसको 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। सो गाइज़ हम सब लोग खाते हैं बिरयानी हम चारों, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको हमारी बिरयानी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और आप घर बैठे बैठे बिरयानी का मज़ा उठा सकते हैं।